फोन टैपिंग मामले को लेकर एक बार फिर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराने के बाद एक बार फिर नेताओं में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। अब यूडीएच मंत्री चंद धारीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए चंद धारीवाल ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब 3 महीने में 90,000 फोन टैपिंग हुई थी, पहले उनकी जाँच करा लो। शांति धारीवाल ने कहा कि अभी तो केस एसीबी में है, उसको फेस करो। हमारी डिमांड तो इतनी सी थी कि वॉइस सैंपल दे दे। उन्होंने बिना नाम के लिए वो कहा कि वो वॉइस सैंपल देने से क्यों डर रहे हैं, क्यों आगे पीछे हो रहे हैं, खुलासा हो जाएगा, दूध का दूध व पानी का पानी हो जाएगा। ये साजिश रची गई है और पत्रकारों ने सवाल किया कि गजेंद्र शेखावत का कहना है कि वो सैंपल देने को तैयार है, पहले भंवरलाल शर्मा व विश्वेंद्र सिंह वॉइस सैंपल दे, तो मंत्री चंद धारीवाल ने कहा कि उससे क्या मतलब है, पुलिस जिसको चाहेगी उसके ले लेगी, आप तो दीजिए। उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह के खातिर तो एसीबी 3-3 दिन तक घर व दफ्तर के चक्कर काटते रही और वो छिपते रहे। 3 महीने के अंदर अंदर गुजरात में, 3 महीने के अंदर अंदर जब मुख्यमंत्री थे आपके नरेंद्र मोदी, वहां पर 90,000, उनकी भी तो जांच करा लो यार। और अभी तो एसीबी में केस है, उसको फेस करो भाई। हमारी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड तो ये थी कि आप अपना वॉइस कलेक्ट वॉइस का सैंपल देने में क्यों डर रहे हो, क्यों आगे पीछे हो रहे हो, खुलासा हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साजिश तो खूब रची गई है, किस तरीके से की गई है ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा पर है साजिश। आपका वर्ड मिल, आपने आपका वर्ड पकड़ लिया मैंने कि साजिश है, उससे क्या मतलब है? ये तो पुलिस जिसको चाहेगी उसके ले लेगी, आप तो अपना दीजिए। आपके खातिर तो 3-3 रोज तक जो है क्या नाम वो एसीबी दफ्तर का और वहाँ पर का चक्कर, दफ्तर और आपके रेजिडेंस का चक्कर काटती रही और आप छुपते रहे।